बेस टू हैदराबाद में मुंसिर है। मेरे पास ये कश्मीर का एरिया है, गिलगित का एरिया है और मुंसिर अटवल का एरिया है। तो आप लोगों के हवाले से यहाँ पे अनवर साहब जो है आप लोगों को देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन है शहीद के नाम से और ये आप लोगों को यहाँ पे सर्व करते हैं। काफ़ी अरसे से जब से ये काम कर रहे हैं काम के अंदर बेहतरी आ रही है। जब पूछा जाता है जी कि कौन कौन से एरिया हमारे अच्छे काम करने वाले हैं उसमें से एक आप लोगों का एरिया भी आता है। तो आप लोगों का एक आप लोगों का भी एक इस वाले से एक पहचान बनती है। बार बार हमारी डिस्कशन होती है, इनसे मुलाकात तो हर महीने रहती है। तो फिर ये बात मुस्तकिल हमारे जहन में आती है, फिर हमारी कुछ प्रोडक्ट के हवाले से हमारी बात होती है कि ये प्रोडक्ट कहाँ पर ज़्यादा चलती है, वो फिर आप लोग का गेन आप लोग का यहाँ पर तस्करा होता है। तो फिर मेरा भी एक इश्तियाक हुआ यार कि आप लोगों के हवाले से कुछ ना कुछ गैदरिंग होनी चाहिए, क्योंकि किसी की अगर आप रिकग्निशन नहीं करते, अगर आप कोई आपके साथ अच्छा काम करता है और आप एटलीस्ट उसको शुक्रिया तक अदा नहीं करते तो ये बड़ी कहते बेअदबी वाली बात है, डिसरिस्पेक्टफुल बात है कि उसका शुक्रिया अदा करना हम पे लाजम है। मैं भी यहाँ पे बात भी कर रहा था कि बहुत सारी कंपनियाँ काम करती हैं, बहुत सारे ब्रांड काम करते हैं, लेकिन हम उसमें थोड़े ज़्यादा हैं तो ये आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का अच्छा एक हमारे साथ तावन है, उसका शुक्रिया अदा करना बहुत जरूरी है। बेसिक जो मकसद आज आने का आप लोगों से मिलने का है आप लोगों का शुक्रिया अदा करना है। आप लोगों ने हमें हमसे तावन किया, हमारी प्रोडक्ट को बेइतमाद किया, उसको आपने मार्केट में तारफ करवाया, उसके ऊपर आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया, जितने मैकेनिक हजरात ने इस गाड़ी में डाला, लोगों की कंप्लेंट्स कॉल किया, जितने शॉपकीपर ने शॉप पे रखा उसको क्रेडिट दिया लोगों को, मतलब हर एक लिहाज से आप लोगों ने हमारे साथ तावन किया है। इस पर आप लोगों का जितना भी शुक्रिया अदा कीजिए उतना कम है। ये आप लोग की एक बड़ी मेहरबानी है, मैं कंपनी के भी आप पे आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये एक हमारे पास पहली दफ़ा एक ऐसा मौका है कि जिसपे आप लोग को पैसे किए गए। इंशाल्लाह यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ों को और बेहतर करेंगे और अच्छा करेंगे, आप लोगों के लिए जितना हम चीज़ें बेहतर कर सकें इंशाल्लाह करेंगे और चीज़ों को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ये पहला और आखिरी मौका हरगिज़ नहीं है। और लेकिन ये कि हम कोशिश करेंगे हर एक सीज़न में एक से दो दफ़ा लाजमी आप लोगों के साथ हो, एक सीज़न की शुरू में और एक सीज़न की क्लोजिंग में। जब सीज़न स्टार्ट होगा अगले साल इंशाल्लाह एक फंक्शन तब करेंगे और एक सीज़न क्लोजिंग में जैसे भाई ये मौका है ऐसा भी करेंगे। और इसके अलावा भी कोशिश करेंगे कि जो भी आप लोग एक्टिविटीज हम लोग कर सकें ज़रूर करेंगे, गेट वगैरह कर सकें, चीज़ों को बेहतर कर सकें इंशाल्लाह करेंगे। तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक दो चीज़ों का जिक्र ज़रूर आपसे करूँगा कि वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं, वक्त के साथ साथ हमें भी बदलना पड़ता है। अगर हम बदलेंगे नहीं, अगर हम अपनी चीज़ों को बेहतर नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, दुनिया आगे निकल जाएगी। वो हर एक में सादिक आता है ये बात। अगर हम कंपनी में हैं तो अगर हम नई चीज़ आपको नहीं देंगे मार्केट के अंदर तो हम दूसरी कंपनी से पीछे रह जाएंगे। अगर आप एज अ मैकेनिक एज अ शॉपकीपर नई चीज़ को नहीं अडॉप्ट करेंगे, आप जो दूसरा शॉपकीपर या मैकेनिक है जो उस चीज़ को अडॉप्ट करेगा वो आगे निकल जाएगा। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है जी। हमारा एक 2050 प्रोडक्ट है, ये हमारा 2050 में एक प्रोडक्ट है, ये भी 2050 है और आप कहते हैं कि ये रूबिया भी 2050 है। मैं अगर आपके सामने ये दोनों चीज़ें लेके आता हूँ तो आप कहेंगे यार ये भी 2050 है ये भी 2050 है। लेकिन जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले की कि ये 2050 है तो आप वाकफ है कि ये 2050 वो वाला है जो कंपनी ने हालात को देखते हुए चीज़ों को देखते हुए नई टेक्नोलॉजी को देखते हुए आपको तर्क करवाए। आपके यहाँ जो पेट्रोल आता था, आपके यहाँ जो पेट्रोल यूज़ करते हैं स्टेशन में, ये पहले किसी और क्वालिटी का आता था लेकिन आज से दो महीने पहले तक इसकी क्वालिटी चेंज हो चुकी है। यूरोप मेयार का पेट्रोल आपके यहाँ आने शुरू हुआ है जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा है कि आपके यहाँ यूरोप क्वालिटी का जो फ्यूल है वो दिया जा रहा है। उस फ्यूल की ये काबिलियत होती है कि ये आपकी माइलेज को बढ़ाता है, आपकी माहौलियाती आलूदगी को कम करता है, इसके अंदर जो कार्बन की मकदार है वो कम है और ये आपकी क्वालिटी आपकी इंजन की ताकत को भी बढ़ाता है। अब इन चीज़ों के साथ साथ आपकी लुब्रिकेशन भी चेंज होती है। लुब्रिकेशन को अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो हम गाड़ी को वो ताकत नहीं देंगे। फ्यूल लुब्रिकेशन दोनों चीज़ें मिलकर इंजन को संभालती हैं। अगर आप उसमें लुब्रिकेशन अच्छी करें और फ्यूल की क्वालिटी अच्छी तो उसमें पानी मिला फ्यूल जा रहा है बाकी चीज़ें जा रही है तो इंजन दबाव हो जाएगा। इसी तरह से अगर बहुत सारी लुब्रिकेशन ताकतवर नहीं है तो वो चीज़ें भी तो वो चीज़ इंजन उस तरीके से काम नहीं करता। ये 2050 ही है, ये 2050 है। पहली बात ये कि आपको इस परेशानी में नहीं पड़ना कि 2050 को चेंज हो गया, 2050 ही है। लेकिन ये CH4 है, ये ग्रुप 1 से है। अब आपका ग्रुप 1 क्या है, CH4 क्या है, ये भी आपको बता देता हूँ कि
जो आपका आपको आसानी के लिए ग्रुप वन ग्रुप टू दो तरह की ऑयल आपके होते हैं जिससे सारी चीज़ें बनती हैं, जितने भी फ्यूल बनते हैं जितने भी लुब्रिकेट बनते हैं वो ग्रुप वन से बनते हैं, ग्रुप टू से बनते हैं। आपका ग्रुप टू की पहचान ये है कि जितने भी CF कैटेगरी है, CF कैटेगरी जितनी भी है, CF है, CF4 है, CF2 है, CF3 है, ये सारी ग्रुप टू से है। जितनी भी CH या CI कैटेगरी है ये ग्रुप वन से है। ग्रुप वन की मिसाल ऐसे है कि जो ज़्यादा ताकतवर है, जो ज़्यादा अच्छा है, जो ज़्यादा बेहतर है, जो महंगा भी है लेकिन अच्छा ताकतवर है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं जिनको हम जो हमारे सफाई के लिए यूज़ होते हैं, जिनकी सफाई के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए यूज़ होते हैं, वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के डाले जाते हैं। है ये भी 20-50, लेकिन ये आपकी गाड़ी को ज़्यादा संभालेगा, ये आपकी गाड़ी की माइलेज को बढ़ाएगा, ये आपकी गाड़ी के जो हीट है उसको ज़्यादा प्रिजर्व करेगा, जो गाड़ी इंजन के अंदर जो हीट पैदा होती है उसको ज़्यादा कंट्रोल करेगा। तो ये जो 20-50 है ये वक्त की ज़रूरत है, आज नहीं तो कल हम इस 20-50 पे आएंगे, क्योंकि ये CH है। अब CF कैटेगरी भी ख़त्म हो रही है, आपका डेलो सिल्वर CF4 है, रिबोला आपका CF4 है, जिक जो है वो CF4 है, ये CF4 की कैटेगरी अब ख़त्म हो रही है, अब आपका CHR है। तो CH में सिर्फ हमारे पास ये है 20-50 में, ये बेहतरीन क्वालिटी वाली चीज़ है, जब भी नया इंजन बनाए उसमें ये चीज़ आती है 20-50 में, उसमें टेंशन नहीं लेनी, लेकिन ये 20-50 दूसरे 20-50 से ज़्यादा ताकतवर है, ये आप बात समझिए, ये ज़्यादा ताकतवर इंजन आयल है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंजन आयल है, जो गाड़ी को आपकी बहुत बचा के रखेगा, वो संभाल के रखेगा। तो इसके हवाले से कोई आपके जहन में सवाल आता है, कोई चीज़ आती है तो प्लीज़ आप ज़रूर पूछें, ज़रूर इस पर बात करें। इस CH4 के वाले से 8500, ये एक्स्ट्रा बूस्टर फार्मूलेशन है इसके अंदर, ये एक्स्ट्रा बूस्टर फार्मूला है इसके अंदर जो इसको ज़्यादा ताकतवर बनाता है, ज़्यादा अच्छा बनाता है। इसके वाले से कोई बात अगर आप लोग पूछे बात ज़रूर करें, जो भी जहन में बात आती है ज़रूर शेयर करें, ये हम सीखने सिखाने का अमल है, कुछ बातें मैं आपसे सीखूंगा, कुछ आप मेरे से सीखेंगे, मिलजुल के हम एक सेशन करने का मकसद ये है कि आप लोगों से इंटरेक्शन की जाए, कोई भी बात इस हवाले से अगर आप करना चाहें ज़रूर। ये डीजल के लिए या पेट्रोल के लिए भी है? ये डीजल गाड़ी के लिए, रुपया डी जैसे आपका है 20-50, ये मल्टी ग्रेड होते हैं लेकिन बेसिकली ये डीजल गाड़ी के लिए, डीजल गाड़ी में आप इसे यूज़ करेंगे। कोई और बात इस हवाले से समझ आ गई है सर?